दुमका पुलिस और एसएसबी के जवानों को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां नक्सलियों के खिलाफ चलाए गए सर्च ऑपरेशन के तहत दुमका पुलिस और एसएसबी के जवानों ने भारी मात्रा में अवैध हथियार बरामद किया। दुमका पुलिस अधीक्षक अंबर लफड़ा ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर डीसी एसएसबी 35 बटालियन के नेतृत्व में शिकारीपाड़ा थाना के पुलिस पदाधिकारी और जिला बल के सहयोग से मनियाचुआ जंगल के पास सर्च अभियान चलाया गया। इस दौरान शिकारीपाड़ा थाना क्षेत्र के मनियाचुआ जंगल में जमीन के नीचे छिपाया गया हथियार बरामद किया गया। बरामद हथियार में 303 बोल्ट एक्शन राइफल, 70 जिंदा गोली, 7 मैगजीन चार्ज और 1 मैगजीन बरामद किया गया। हमें इन्फॉर्मेशन मिला था कि नक्सलियों द्वारा कुछ हथियार जो है छुपा के रखा गया है, तो शिकारीपाड़ा में हमने एक टीम भेजा और ऑपरेशन हुआ, जिसमें कि एसएसबी के जवान थे, ऑफिसर्स थे और पुलिस के भी विभाग के ऑफिसर्स थे, जिसमें खास तौर पर ललित शाह जी डीसी थे और कमांडेंट साहब एसएसबी 35 के उनकी नेतृत्व में ये टीम जो है कि वहाँ आज छापामारी के लिए गई थी। और उसमें हमें वहाँ से जंगल में से मनियाचुई जंगल से 3 हथियार बरामद हुआ है, 303 हथियार है और साथ साथ 70 उसमें एमिनेशन हथियार बरामद हुआ है और 3 मैगजीन भी बरामद हुआ है। सर, ये जो हथियार है ये किसके? ये 303 अमूमन ये पुलिस के वेपन्स होते हैं, पुलिस या पहले आर्मी इसको यूज करती थी। फिलहाल पुलिस इस मामले में संबंधित धाराओं के तहत अज्ञात नक्सलियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। ये हम आर्सेनल नंबर इसका जो है कि हमें पता चल गया है और आर्सेनल नंबर देख करके हम इसका जांच करेंगे कि ये किस पुलिस टुकड़ी का ये वेपन है। और हमें अंदेशा है कि जाँच में खुलासा होगा कि नक्सलियों द्वारा ये वेपन जो है ये लूटा गया होगा और इसको छिपा करके रखा गया होगा। इसके साथ कोई गिरफ्तारी? ये मनियाचुआ जंगल में हमने जरूर छापामारी किया, ये मिला ये वेपन हमें, लेकिन अभी साथ में कोई गिरफ्तारी अभी नहीं हो पाई है। सर, नक्सलियों की क्या फिर से धमक दिखाई दे रही है? नक्सलियों का इस क्षेत्र में पहले से भी भ्रमण होता रहा है। पुलिस को जंगल में छिपाए हुए नक्सलियों के हथियार का मिलना इस बात का द्योतक है कि नक्सली इस क्षेत्र में फिर से सक्रिय होने की तैयारी में है। यह सुखद बात है कि पुलिस को इसकी जानकारी मिली और उसने ये निकाला। अब उम्मीद की जाती है कि पुलिस और भी अपने अनुसंधान को आगे बढ़ाएगी ताकि नक्सली जो बीते दिनों यहाँ कई बड़े नक्सली संगठनकर्ता की हत्या के बाद से दबे हुए थे, वे फिर से ऊपर न उठ सके। पंजाब केसरी के लिए दुमका से वीरेंद्र कुमार झा।